कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह से मात देते हुए तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया। अब केकेआर से ज्यादा खिताब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के पास है। दोनों टीमों ने 5-5 खिताब अपने नाम किए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीएल 2024 फाइनल और डब्ल्यूपीएल 2024 फाइनल में एक या दो नहीं बल्कि 5 समानताएं रहीं। भले ही ये संयोग हो, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी गई हो और उसी पर इसे फिल्माया गया हो। इसी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि भारतीय कप्तानों ने खिताब जीता जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तानों को निराशा हाथ लगी। दरअसल इस साल के WPL और IPL फाइनल में पहला संयोग और समानता ये रही कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे और एक तरफ भारतीय खिलाड़ी कप्तान थे। WPL में भी ऐसा ही था। WPL में एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग कप्तान थी और दूसरी तरफ स्मृति मंधाना कप्तान थी। ऑस्ट्रेलिया में एक तरफ पैट कमिंस कप्तान थे तो दूसरी ओर श्रेयस अय्यर कप्तान थे। WPL में भारतीय कप्तान ने खिताब जीता और IPL में भी ऐसा ही देखने को मिला। यहां तक कि दोनों टीमों ने 8-8 विकेट के अंतर से जीत दर्ज की। तीसरी समानता ये थी कि WPL में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी और IPL में भी ऑस्ट्रेलिया के ही कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। चौथा संयोग ये रहा कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम WPL 2024 फाइनल में 113 रनों पर ऑल आउट हुई और इसी तरह IPL 2024 फाइनल में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ऑल आउट हुई। दोनों टीमों ने 18.3 ओवर ही खेल पाए। पांचवी समानता ये रही कि जो ऑस्ट्रेलिया कप्तान WPL और IPL फाइनल में हारे, उसने 2 ICC फाइनल्स भारत के खिलाफ जीते थे। पेंट कमिंस ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था।